हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैथ्स विद जेपी सर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट टू। इक्वेशन सोल्व करना हम सीख चुके हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछे हैं उससे संबंधित कुछ बातें आज और जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारे पास दिया हुआ है, कोई भी द्विघात समीकरण होता है, ये ax² + bx + c, ये तो रूप होता है, बराबर होता है जीरो। तो यहाँ पे क्या है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण है उसके जो दो शून्य हैं उनको ज़्यादातर मैथ में अल्फा और बीटा से ही डिनोट करते हैं। शून्य एक मूल या रूट से मतलब होता है x के या y के, या जो भी हम लेते हैं, यहाँ पे x² है, y² है, p² है, q² है, जो भी लेते हैं उसके जो दोनों मान आते हैं वही क्या कहलाते हैं, शून्य एक मूल या रूट कहलाते हैं। तो जो उनके जो दोनों मान आते हैं, या अल्फा प्लस बीटा, एक को जो दोनों मानों में से हम एक को अल्फा बोलते हैं तो दूसरे को क्या बोलते हैं, बीटा। अगर इनके जोड़ की बात करें या फिर शून्य एकों का योग जो होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। जो भी दोनों एक्स के दोनों मान आएंगे उनका जो जोड़ होता है वो होता है हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर। और दोस्तों, जो शून्य एकों की जो गुणा होती है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक्स के जो दोनों मान आते हैं या जो अल्फा बीटा होती है उनकी जो गुणा होती है, या अल्फा इंटू बीटा बराबर होती है सी अपॉन ए। ए जो है वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बी जो होता है वो जो होता है एक्स, उसका कोएफिशिएंट। और जो सी जो होता है हमारा सिर्फ अकेला नंबर होता है उसको डिनोट करता है, बी एक्स का, ए जो है एक्स स्क्वायर का, और सी जो है जो नंबर होता है उसको क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है, उसको बताता हमारे को। ये हमारी ए बी और सी होती है। जैसे हमारे पास दोस्तों छोटा सा फंडा है, कुछ भी नहीं है, जैसे हमारे पास कोई भी समीकरण है, जैसे हम समीकरण लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस पंद्रह बराबर क्या है, जीरो के। बराबर किसके है, जीरो के। तो अगर इसके दोनों शून्य एकों की मैं बात करूं, हम शॉर्ट ट्रिक सीख चुके हैं, क्या आएंगे दोनों प्लस के आएंगे, पाँच और तीन। जो x का जो मान आएंगे दोनों वो क्या करेंगे, इसका हम निशान चेंज कर देंगे, ये आएगा माइनस पाँच, तो ये क्या आएगा, माइनस तीन, बटे में क्या करना है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये आएगा हमारा एक, ये आएगा हमारा बटे में एक, क्योंकि यहाँ पे एक है तो बटे में एक किया। तो x के जो दोनों मान हैं यहाँ से हमारे पास निकल के आते हैं माइनस पाँच और माइनस तीन। तो शून्य एकों का योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का जो मतलब है इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़। जैसे माइनस पाँच और माइनस तीन हम करते हैं तो वो आएगा हमारा कितना, माइनस आठ। सी अपॉन ए का मतलब है इन दोनों की गुणा, जैसे हम माइनस पाँच और गुणा में करते हैं माइनस तीन, माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस, तो वो आएगा हमारा कितना, पंद्रह। इसको अगर डायरेक्ट हमारे से शून्य निकालना ही पूछ ले किसी क्वेश्चन में तो कैसे करेंगे, जैसे हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस पंद्रह, समीकरण क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस है पंद्रह। इसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, एक, मतलब एक की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक। बी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास, बी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास आठ, और जो सी की जो वैल्यू की बात करें वो है हमारे पास कितना, पंद्रह। तो शून्य एकों के जो योग होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस का निशान और बी अपॉन ए। बी क्या होता है, माइनस का निशान और बी अपॉन ए। यहाँ पे बी जो है वो हमारे पास है कितना, आठ, और ए जो है वो है एक, तो माइनस आठ अपॉन एक बराबर बोलेंगे तो कितना आएगा, माइनस आठ। अगर गुणा की बात करें, अल्फा बीटा वो होता है हमारा सी अपॉन ए। यहाँ पे जो सी की जो वैल्यू है, सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास पंद्रह, सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास पंद्रह, ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक, तो जो गुणा है वो आई हमारी पंद्रह। ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करने के नहीं बोले लिए नहीं बोलता है तो हम डायरेक्ट शून्य ऐसे निकाल सकते हैं, क्या आया था हमारा आठ, माइनस आठ, तो यहाँ पे भी क्या आया, माइनस आठ। यहाँ पे अल्फा बीटा पंद्रह आया तो यहाँ पे भी क्या आया, पंद्रह। चाहे तो इक्वेशन को सोल्व करके निकालो, चाहे वैसे निकालो, वो अपना डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालते हैं। अगर आपको सीधा पता है भी डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। तो दोस्तों, इसी तरह से एक सीरीज, एक जो है हम इक्वेशन और लेते हैं ताकि कोई भी डाउट ना बचे। जैसे हमारे पास है इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ बराबर है जीरो। तो यहाँ पे एक्स के जो मान की बात करें,
क्या है, गुणा जो है कितनी आनी चाहिए, माइनस आठ। अगर गुणा माइनस आठ में आएगी तो दोनों जो हमारे एक्स के जो मान आएंगे या अल्फा बीटा आएंगे, अगर दोनों जोड़ों की मैं बात करूं तो एक माइनस का होगा एक प्लस का, और माइनस का वो होगा जहां पे ये जो निशान है, क्योंकि वही संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे है जोड़ जो है वो माइनस दो आना चाहिए और जो गुणा जो है वो माइनस आठ, ये हम पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पे आठ अगर मेरे को बनाना है तो कैसे बन सकता है, तो कैसे बन सकता है, अगर मैं माइनस का चार लूँ और प्लस का दो लूँ, माइनस का अगर मैं चार लूँ प्लस का दो लूँ तो चार माइनस चार गुणा दो कितना होगा, माइनस आठ होती है, और माइनस चार प्लस दो करेंगे तो माइनस दो होता है। तो हमारे जो तो दोनों के दोनों जो शून्य काय हैं वो माइनस चार और दो हैं। अगर माइनस चार और दो हैं तो क्या करना है, एक्स के अगर मान निकालना है तो क्या करना है, निशान को चेंज करना है। इसका निशान हो जाएगा प्लस का, इसका हो जाएगा माइनस का, और बटे में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे भाग करना, बटे में क्या करेंगे एक। तो हमारे एक्स के जो दोनों मान है वो आए हैं चार और माइनस दो। अभी अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो क्या आएगा, चार माइनस दो, चार प्लस में क्या होएगा माइनस दो, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो हमारे पास बचेगा दो। जोड़ की बात करें आएगा दो, और गुणा की बात करें तो इन दोनों की गुणा, चार गुणा में माइनस दो, चार गुणा में क्या है माइनस दो, प्लस की माइनस से गुणा करते हैं तो होता है माइनस, तो माइनस आठ। अगर यहाँ से डायरेक्ट निकालें, हमारी इक्वेशन है ये वाली, अगर डायरेक्ट निकालें तो ये क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ बराबर है जीरो। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस क्या होता है बी अपॉन ए, यहाँ पे क्या है माइनस को बार लिया, बी की जो वैल्यू है वो है माइनस टू, क्योंकि हमारा इक्वेशन का जो रूप है प्लस बी एक्स है, तो यहाँ पे माइनस आया है, यहाँ पे माइनस टू आया है, तो इसका मतलब बी की जो वैल्यू है वो है माइनस टू, तो ऊपर लिखेंगे माइनस टू अपॉन में ए। ए जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है एक बटे में एक, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा या बराबर है माइनस बी अपॉन ए, बराबर आएगा हमारा दो। और अगर अल्फा बीटा की बात करें तो वो होता है सी अपॉन ए, सी का जो मान है वो है हमारे पास माइनस आठ, सी का जो मान है वो हमारे पास है माइनस आठ, तो ऊपर लिखेंगे माइनस आठ अपॉन में ए, ए का मान है एक तो बराबर आएगा माइनस आठ। पहले भी यही निकाला था, अभी भी ये निकाला था, ये दोनों मेथड दोस्तों आपको बता दिए। इसी तरह एक इक्वेशन और देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है छः एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं निकालता हूँ एक्स के मान, अगर एक्स के मान यहाँ पे माइनस तीन, इन दोनों की जो गुणा है वो है माइनस अठारह, गुणा माइनस अठारह में तो एक जो जोड़ा है हमारा एक प्लस का होगा एक माइनस का, और माइनस का होगा बड़े वाला, तो माइनस का आएगा हमारा नौ, प्लस का आएगा दो, नौ दूनी अठारह जोड़ करेंगे तो माइनस सात। फिर क्या है, अगर एक्स एक्स के जो मान निकालने तो निशान को चेंज करना है, तो इसको करेंगे नौ और इसको करेंगे क्या माइनस, तो बटे में करना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बटे में आएगा छः, इसके भी बटे में छः। अगर यहाँ पे इनको काटने की बात होती है तो तीन तिया नौ, तीन दूनी छः, दो एक कम दो, दो तिया छः। तो एक्स का जो एक मान है, एक मान जो है एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास आती है तीन बटे दो, और क्या आती है माइनस एक बटे तीन। अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो इन दोनों को क्या है, जोड़ देना है, तीन बटे दो माइनस क्या आएगा एक बटे तीन, क्योंकि माइनस का निशान है तो माइनस ही होना है। तो बराबर जो है एलसीएम जो है वो आएगा हमारे पास छः, दो तिया छः, तीन तिया नौ, तीन दूनी छः माइनस दो। अल्फा प्लस बीटा आएगा हमारे पास सात बटे छः, और अगर अल्फा बीटा दोनों शून्य, क्योंकि गुणा की अगर बात की जाए वो होती है कितनी, मतलब दोनों क्या गुणा, तीन बटे दो गुणा में क्या आएगा माइनस एक बटे तीन, क्या आएगा गुणा में माइनस एक बटे तीन, तीन से तीन कटता है तो आएगा हमारा कितना माइनस एक बटे दो। दोस्तों अगर यहाँ से डायरेक्ट हम निकालना चाहें, डायरेक्ट हम निकालना चाहें तो हमारे पास एक की वैल्यू है वो है छः, बी की जो है वो है माइनस सात, और सी की जो है वो है माइनस तीन। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा जो है वो होता है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे अगर माइनस माइनस बी अपॉन ए, बी की जो वैल्यू है माइनस सात, बटे में लिखेंगे ए, ए की वैल्यू है छः, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो आएगा सात बटे में छः। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है माइनस तीन, और ए की वैल्यू है छः, बटे में करेंगे छः, वो आएगा हमारा माइनस एक बटे दो। तो दोस्तों दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, शून्यकों का योग और गुणा निकाल सकते हैं। तो इस टाइप में हम आज का लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आज का जो है हमारा लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। हमारे पास जैसे कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर
-3 बराबर है 0, तो इसके शून्य मतलब शून्य को का योग और गुणा बताइए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस बराबर है 3, अगर एक्स का दो मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वेयर बराबर हो जाएगा 3 के, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 के। इसका मतलब है एक्स का जो एक मान है वो आएगा प्लस रूट 3, एक आएगा माइनस रूट 3। अगर योग की बात करें तो कितना आएगा 0, 3 रूट 3 माइनस रूट 3 होएगा 0। अगर गुणा की बात करें रूट 3 इंटू में माइनस रूट 3 आएगा कितना माइनस का 3, ठीक है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो आएगा हमारा 0 और अल्फा बीटा जो है वो आएगा हमारा माइनस 3। अगर यहाँ से निकालना चाहें इस समीकरण का जो रूप होता है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर तो लिख दिया प्लस बी के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं प्लस 0 एक्स, बी की वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब 0 ने क्या किया इस एक्स को 0 बना दिया। और प्लस क्या है सी, ये जो रूप होता है तो प्लस सी की जगह पे है हमारा माइनस 3 बराबर है 0, ये दिया हुआ। तो यहाँ पे अगर बी की वैल्यू की बात करें तो है 0, एक्स स्क्वेयर के जो ए की जो वैल्यू है वो है 1 और जो सी की वैल्यू है वो है हमारी कितनी माइनस 3। तो जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस 0/1, तो किसके बराबर हो जाएगा 0/ कुछ भी हो 0 को छोड़ के वो क्या होता है 0 के बराबर। और जो अल्फा बीटा की अगर बात की जाए तो सी अपॉन ए होता है, तो मतलब -3/1 बराबर आएगा -3। मान हमारे वही आने हैं जो हमने यहाँ पे निकाले हैं, माइनस 3 और 0 दोस्तों आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी सीरीज में हम अगर हमारे को क्या है दोनों अगर मूल दिए हो तो फिर इक्वेशन बनाना भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा नेक्स्ट टाइप बनता है जहां से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो है एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्य कों का योग व गुणा निम्न है। क्या है शून्य कों का योग या अल्फा प्लस बीटा हमारे को दिया हुआ मिल सकता है, या फिर शून्य कों की गुणा अल्फा बीटा भी हमारे को दिया हुआ मिल सकता है, फिर हमारे से पूछ सकता है इक्वेशन। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस जो योग की बात करें वो होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर होता है -b/a। अगर इसी को इसी रूप में मैं डालूं तो माइनस का बार लिया, क्या करेंगे हम -1/4, तभी तो ये प्लस का हमारे पास हो सकता है, तभी हमारे पास ये प्लस का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस अंदर लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। इसी तरह हमारे पास दिया हुआ है शून्य कों की गुणा जो है वो होती है अल्फा बीटा बराबर होती है c/a, वो है हमारे पास -1, क्या है -1, क्या दिया हुआ है -1 या 1/1। तो दोस्तों यहाँ पे जो कॉमन चीज़ है वो हमारे पास a, यहाँ पे भी क्या है a, तो a जो है वो दोनों जगह क्या होना चाहिए बराबर, अगर बराबर नहीं होता है तो उसको बराबर करना पड़ता है। बराबर कैसे करेंगे दोस्तों, अगर मैं इस जो -1 की जो वैल्यू है इसको 4 से ही गुणा कर दूं और 4 से ही भाग कर दूं तो आता हमारे पास -4/4, क्या आता है -4/4। इसका मतलब भी क्या होता है इसका जो मतलब है वो 1 के बराबर ही होता है, ये भी -4/4 भी किसके बराबर है -1 के ही बराबर है। तो जो पहले दिया होता उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ से हम सी और ए की जो वैल्यू है हमारी वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें हम इक्वेशन की अगर तुलना करते हैं तो -b/a है, माइनस बार लिया तो भीतर जो b है तो b की जो वैल्यू है यहाँ से जो निकल के आती है बराबर आती है -1। अगर a की बात करें a दोनों जगह पे हमने क्या कर दिया बराबर, तो ये है हमारा ऊपर जो है c, नीचे क्या है a, सी जो है हमारा जो इक्वेशन है प्लस c/a, यहाँ पे दिया -4/4, यहाँ पे है -4/4, इसका मतलब है ये जो माइनस है ये भी सी के साथ आया है, इसका मतलब है सी की जो वैल्यू है वो है -4 और ए की जो वैल्यू है वो है हमारे पास क्या 4। अभी हमारे पास जो इक्वेशन का जो रूप होता है हमारा क्या होता है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0, इक्वेशन का यही रूप होता है। तो क्या करना है इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुटअप करनी है, तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4, तो a की जगह भी लिखेंगे 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 इंटू में लिखेंगे b की जगह -1 x, और प्लस क्या है c की जगह पे हम लिखेंगे -4, क्या है प्लस c की जगह पे लिखेंगे -4। अगर अभी दोबारा इसको लिखें तो ये लिखा जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होता है माइनस माइनस एक्स और प्लस
इंटू प्लस माइनस होता है माइनस माइनस चार बराबर है जीरो, बराबर जीरो लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे से सिर्फ क्या पूछा हुआ है इक्वेशन बताइए, तो हमारी इक्वेशन है चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार। तो दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो इस तरह से हमारे को सोल्व करना होता है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमारे पास तीन पार्ट हैं, जब तक हम ये तीन पार्ट और बचे तीनों पार्ट करेंगे तब तक आपके पूरे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों देखते हैं अपना जो सेकेंड पार्ट है, अपना जो सेकेंड पार्ट है इसमें दिया हुआ है अल्फा अल्फा प्लस बीटा जो है शून्य कु का योग जो है वो दिया हुआ है रूट टू, और जो गुणा है शून्य कु की गुणा है वो दी हुई है वन अपॉन थ्री। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इसके साथ अगर तुलना करके लिखेंगे तो हम माइनस तो हमारा भारी होता है, अंदर हम लिख सकते हैं माइनस रूट टू अपॉन में क्या है अपॉन में है वन, ये किसके बराबर है प्लस रूट टू के ही बराबर है। और जो अल्फा बीटा जो हमारा होता है वो होता है सी अपॉन ए, इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास कितनी एक बटे तीन, कितनी है एक बटे तीन। इसका मतलब है ए यहाँ पे तीन है लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू है एक, तो दोनों जगह क्या होना चाहिए बराबर। बराबर के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला अल्फा प्लस बीटा है उसको हम किससे गुणा कर दें तीन से ही गुणा कर दें, तीन से ही भाग कर दें, तो इसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा जो ए है वो दोनों जगह क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से है दोस्तों हमारे पास जो बी की जो वैल्यू है, अगर यहाँ से बात करें तो बी की जो वैल्यू है इसको और सोल्व करके लिखेंगे तो माइनस इंटू में माइनस होएगा तीन रूट दो बटे में क्या है तीन, ये हमारे पास आता है। तो यहाँ से जो b की जो वैल्यू है वो आती है हमारे पास माइनस तीन रूट दो, a की जो वैल्यू है वो आती है हमारे पास तीन, और जो c की जो वैल्यू है वो है हमारे पास कितनी एक, c की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी एक। अभी ये क्या करना है, जो अपना इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें पुटअप करना है। अगर एक की जगह पे हम तीन लिखते हैं तो ये आएगा तीन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की जगह हम लिखते हैं माइनस तीन रूट दो तो माइनस तीन रूट टू एक्स, और प्लस सी, सी की जगह पे आएगा हमारा एक, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन। दोस्तों ये हो जाएगा अपना इक्वेशन, तुलना करनी है दोस्तों इसमें, जैसे सी अपॉन ए, सी की वैल्यू यहाँ पे है एक, ए की वैल्यू है तीन, यहाँ पे ए की वैल्यू एक थी लेकिन यहाँ पे तीन थी, तो दोनों जगह क्या है कॉमन है ए, तो दोनों जगह क्या होनी चाहिए बराबर। बराबर के लिए हमने क्या किया, ऊपर भी तीन से गुणा किया और नीचे भी क्या किया तीन से गुणा किया, तो बराबर होगी। फिर क्या है, हमने इक्वेशन जो हमारा माइनस बी अपॉन ए है तो इसकी जो तुलना है माइनस माइनस इंटू माइनस थ्री, थ्री इंटू में रूट टू अपॉन में थ्री से किया, अपॉन में थ्री से किया, तो हमारे पास वैल्यू जो है बी की जो आई माइनस तीन रूट दो, ए की जो आई है वो है तीन, और सी की जो है वो आई है एक। फिर क्या किया, इस इक्वेशन में पुटअप कर दिया और अपनी इक्वेशन निकल के आ गई। तो दोस्तों अपना जो थर्ड पार्ट है वो भी देख लेते हैं, थर्ड पार्ट है इसमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर है हमारे पास कितना जीरो, और जो गुणा है अल्फा बीटा है वो है हमारे पास वो है रूट पांच। तो दोस्तों यहाँ पे है रूट पांच बटे में एक और यहाँ पे है जीरो बटे में एक, क्योंकि ए जो है वो दोनों जगह, ये क्या होता है हमारा, ये होता है सी अपॉन ए, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे मैं और कुछ लिखूंगा तो इस जगह भी और कुछ लिखना पड़ेगा, इसलिए ए को हमने यहाँ पे भी एक लिया, जीरो बटे में एक क्या होता है जीरो, और रूट पांच बटे में एक यहाँ पे पहले से ही है, तो ए की जो वैल्यू जो दोनों जगह पे कॉमन है वो है हमारी बराबर। और ये जो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है जीरो, तो अगर तुलना करने पे इससे अगर मैं तुलना करता हूं तो बी की जो वैल्यू है वो आती है हमारे पास जीरो, इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, अगर जीरो है तो उसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। ए की जो वैल्यू है वो आती है हमारे पास एक, और जो सी की जो वैल्यू है वो आती है हमारे पास रूट पांच। अभी क्या करना है, इक्वेशन में पुटअप करना है, इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह पे रखना है एक, अगर एक रखेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे रखना है जीरो प्लस जीरो इंटू में एक्स, फिर क्या है सी की जगह पे लखना है रूट पांच, प्लस में क्या होगा रूट पांच, तो जीरो इंटू में एक्स जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन जो है वो आएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस में रूट पांच, क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस रूट पांच, यही हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। इसके बाद है हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो भी देख लेते हैं, जो फोर्थ पार्ट है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर है दिया हुआ है चार, और अल्फा बीटा है वो दिया हुआ है एक। हमारा जो इक्वेशन का रूप होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है
माइनस बी अपॉन ए, इस रूप में इस चार को भी लिखना है। इस चार को अगर इस रूप में लिखेंगे तो माइनस इंटू में माइनस चार बटे में एक लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस हमने बाहर लिया इक्वेशन के हिसाब से और माइनस ये अंदर लिया, तो ये वैल्यू है वो हो गई हमारी प्लस की। और अल्फा बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए, यहाँ पे क्या है एक, एक बटे में एक, क्या है एक बटे में एक, ए जो है दोनों में कॉमन, ए जो है दोनों में कॉमन, यहाँ पे भी एक है तो यहाँ पे भी क्या है एक, दोनों जगह क्या है बराबर। बी की जो वैल्यू है यहाँ पे आती है चार माइनस चार, इसलिए क्या है ए की वैल्यू जो आई वो आई हमारे पास एक, बी की जो वैल्यू है वो आई हमारी माइनस चार, और जो सी की वैल्यू है वो है एक, सी की वैल्यू है वो है एक। बस इक्वेशन है अपनी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें पुटअप करना है ए की जगह पे एक तो आएगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे माइनस चार तो माइनस चार एक्स, और सी की जगह पे है एक तो प्लस आ जाएगा हमारा एक। यही हो जाएगी दोस्तों अपनी इक्वेशन और यही हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।